मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे युवा साथियों, आज मन की बात के माध्यम से मैं असम की सरकार और असम के लोगों को खेलो इंडिया की शानदार मेजबानी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 22 जनवरी को ही गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का समापन हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 6000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खेलों के इस महोत्सव के अंदर 80 रिकॉर्ड टूटे और मुझे गर्व है कि जिनमें से 56 रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारी बेटियों ने किया है। ये सिद्धि बेटियों के नाम हुई है। मैं सभी विजेताओं के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। साथ ही खेलो इंडिया गेम्स के सफल आयोजन के लिए इससे जुड़े सभी लोगों, प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सबके लिए बहुत ही सुखद है कि साल दर साल खेलो इंडिया गेम्स में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ रही है। यह बताता है कि स्कूली स्तर पर बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति झुकाव कितना बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में जब खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी तब इसमें 3500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन महज 3 वर्षों में खिलाड़ियों की संख्या 6000 से अधिक हो गई है, यानी करीब करीब दोगुनी। इतना ही नहीं, सिर्फ 3 वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से 3200 प्रतिभाशाली बच्चे उभर कर सामने आए हैं। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो अभाव और गरीबी के बीच पले बड़े हैं। खेलो इंडिया गेम्स में शामिल होने वाले बच्चों और उनके माता पिता के धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानियां ऐसी हैं जो हर हिंदुस्तानी को प्रेरणा देगी। अब गुवाहाटी की पूर्णिमा मंडल को ही ले लीजिए। वो खुद गुवाहाटी नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन उनकी बेटी मालविका ने जहां फुटबॉल में दम दिखाया, वहीं उनके एक बेटे सुजीत ने खो खो में, तो दूसरे बेटे प्रदीप ने हॉकी में असम का प्रतिनिधित्व किया।